हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ वी हैव टू डू टुडे फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज वी आर डूइंग फ्रॉम द मेंसुरेशन एंड वेरी इजी टू डू दीज क्वेश्चंस. लेट अस सी हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in a given cuboid? Please underline this, can be placed in a given cuboid. फिर वही बात आ गई बेटा, मेरे पास होंगे, देखिए ऐसा ये एक क्यूबाइड है, ओके, और इमेजिन कर लीजिए कि ये क्यूब है, इसको क्यूबाइड मत मानना, क्यूब है. अब मैंने इसके अंदर मैं कितने ऐसे क्यूब्स फिल कर सकती हूँ, मुझे निकालना है, इसके अंदर निकालना है ना बेटा, अंदर ऐड करना है. जब हम अंदर ऐड करते हैं, व्हाट डज इट मींस, मुझे क्या करना है, दैट मींस मुझे वॉल्यूम की बात करनी है, सरफेस एरिया की बात नहीं करनी है, ओके, क्योंकि मुझे अंदर प्लेस करना है, अंदर फिलिंग करनी है, अंदर स्पेस ऑक्यूपाइड करना है, ठीक है. तो वैसे क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है ना मेरे पास, दैट शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स द नंबर ऑफ द एन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा अगर मैं देखूं, मैं फॉर्मूला ड्राइव करना बता रही हूं, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब छोटे छोटे क्यूब्स का जो वॉल्यूम है, जितने भी वो क्यूब्स हैं सब एक जैसे, उनको एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के इक्वल होना चाहिए, ओके. तो मेरे पास एन किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मेरे पास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो यानी हमने हमेशा ये याद रखना है सीधा बस, कि अगर मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं तो वॉल्यूम लो जिसमें बीच में डालना है, यानी बड़ा क्यूबाइड, या वो भी क्यूब हो सकता है, उसका वॉल्यूम लेना है डिवाइडेड बाय एक का जो बॉक्स डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, बस हमें ये याद रखना, ओके बेटा. क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ आई कि नहीं आई, थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू. ओनली 2-3 स्टूडेंट, बाकी सबको क्लियर नहीं हुई, वेरी गुड वेरी गुड. तो यहां से बेटा अब मैं जो है क्वेश्चन करने लगी हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वी विल राइट हियर कि नंबर ऑफ क्यूब्स दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बेटा क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ओके, तो दैट मींस एल बी एच. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, या साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, ओके बेटा. अब सबसे पहले साइड पे हम लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी मुझे दी है क्यूबाइड की, और जो साइड दी हुई है क्यूब की, वो मेंशन कर देना. मेरे पास लेंथ ब्रेथ हाइट बेटा कितनी दी हुई थी, 60, 54 and 30, that is given to me. तो मैं वही पे वो लिखूंगी 60, 54 and 30. I will write 60 centimeter, 30 centimeter, sorry, breadth कितनी दी हुई थी, 54 centimeter. तो I will write 54 and 30 centimeter. Okay बेटा, तो I will write the same here. Okay, तो अब बेटा हम क्या करेंगे, साइड देखें, मुझे साइड कितने दी हुई थी, 6 सेंटीमीटर, तो आई विल राइट हियर 6 सेंटीमीटर. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. कई बच्चे वॉल्यूम पहले पूरा निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लो डजंट मैटर, बट बाद में जब कटिंग ही होनी है तो बेटा क्या जरूरत है आपको करने की कि पहले वॉल्यूम पूरा निकालें. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेंथ इज 60, देखो 54 and 30 ओवर 6 multiply 6 multiply 6. अब कटिंग कर दीजिए, मेरे पास 6 5 6 9 और देखो 6 10
तो कितने आए जो मेरे पास हुआ है, 5 और 4 जो है 50 क्यूब्स मेरे पास ऐसे आएंगे जिनको मैं फिल कर सकती हूँ। ओके, सबको बात क्लियर होगी? गर्वित, आर्यन, कना, जयन, क्लियर बेटा? गुड 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 प्रांजलि, गुड बेटा। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, मेरे पास क्या लिखा है, लेट अस रीड। अब मैं टर्न बाय टर्न आपको कहती हूँ। आर्यन अनम्यूट योर सेल बेटा, आर्यन अनम्यूट योर सेल एंड रीड द क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी। आर्यन रोल नंबर 5 बेटा। चलिए गर्वित, गर्वित इट्स योर टर्न, अनम्यूट योर सेल एंड रीड द क्वेश्चन बेटा। मैम हाँ जी गर्वित, रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, जल्दी। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। What does it implies? मुझे explain करोगे बेटा? क्या वो कह रहा है? जल्दी। मैम हमें वॉल्यूम गिवन है एंड हमने हाइट निकालनी है सिलेंडर की। ओके, हाइट आई नीड टू कैलकुलेट एंड वॉल्यूम इज गिवन, एनीथिंग एल्स इज गिवन टू अस? गर्वित एनीथिंग? मैम हाँ जी, लास्ट में लिखा डायमीटर। Yes, diameter of the base is given to me 140 centimeter. है ना? अब मुझे height निकालनी है। अब मुझे पता है कि volume of जो मेरे पास cylinder होता है ना, वो pi r square h होता ही होता है। अब सबसे important बात है, अगर मैं देखूं volume meter cube में है, ये centimeter में है ना? यानी मेरा काम क्या होना चाहिए, यूनिट सेम करना। यहाँ पहला स्टेप है सबको कि यूनिट सेम करना। तो ये मीटर क्यूब है, इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं सीधा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाना यानी 100 से डिवाइड करना, तो ये 1.40 मीटर, ये डायामीटर आया। मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है और मुझे पता है मेरे पास जो है आर क्या होता है, डी बाय टू, 1.40 बाय टू, तो ये कितना आएगा मेरे पास डिवाइड करके, 0.7 मीटर। सबको क्लियर हुआ? ओके बेटा, तो अब आगे क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। लेट अस अप्लाई द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास है देखो 154, पाई आपको पता है 22/7, आर 0.7 का स्क्वायर और एच हमें निकालना है। सबको बात क्लियर हुई? ओके, यस प्रबलीन बेटा, यस प्रबलीन। मैम वॉल्यूम 1.54 है। 1. जो वॉल्यूम है, ओके 1.54 से ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, लेट अस डू इट विद द 1.54। ओके लीज, मेरी पुरानी बुक में 1.54 है, बट आपकी बुक्स में अगर नई बुक्स में 1.54 है तो आप 1.54 से ही कीजिए, तभी आंसर सही आएगा। ओके, तो लेट अस डू। अब बेटा 1.54 22/7 और 0.7 और इनटू एच। अब मैं ये इधर वाला सारा रब कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट। ओके, तो अब बेटा देखिए मुझे एच कैलकुलेट करना है ना, ये बाकी सारी टर्म्स उधर चले जाएंगे, तो मेरे पास बेटा एच क्या आ जाएगा, 1.54 मल्टीप्लाई 7 बाय 22 इनटू 0.7 0.7। ओके बेटा, क्लियर? अब कटिंग कर दे, देखो कोई चीज रह तो नहीं गई। अब कटिंग करने के लिए मैंने पहले पॉइंट हटाते, हमेशा पहले पॉइंट्स हटाओ। ओके, मैंने ये पॉइंट्स हटाए,
ये एक सेवन से ये सेवन कट गया, ये पॉइंट घटाया तो नीचे हंड्रेड लग गया, ये हंड्रेड और ये हंड्रेड कट गया। ओके बेटा, मेरे पास अब ऊपर बचा है 154, नीचे 22 बाय 7। देखिए 7 to the 7 to the, और ये भी कट गया। आंसर कितना आया मेरे पास? 1, हमने मीटर में करा था तो आंसर इज 1 मीटर। इसका मतलब हाइट मेरे पास 1 मीटर। क्लियर बेटा? एनी डाउट टू एनी वन? सबको यहां पर क्लियर हो गया? पक्का? अंशिका के अलावा बाकी सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है ना? कनव, जयंत, गुड, प्रांजलि, मनीषा, वेरी गुड, परीक्षा, पर्ल, पीयूष, वेरी गुड। नेम लेना पड़ता मुझे बार बार। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बेटा। चलिए लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6, ठीक है? देखते हैं वो क्या कहता है। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस जो है मेरे पास इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट इट कैन स्टोर्ड इन द टैंक। पहले तो स्टोर्ड वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। इट कैन स्टोर इन द टैंक। हां जी प्रभनूर, प्रभनूर अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। प्रभनूर बेटा, यस मैम, आप मुझे बताइए स्टेटमेंट का मीनिंग क्या? हां जी मैम, वी हैव मैम रेडियस इज गिवन। ओके, रेडियस इज गिवन, लेंथ इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड, एंड मैम वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वेरी गुड। हियर इन द क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू प्रभनूर ही इज सेइंग मैम रेडियस इज गिवन दैट इज 1.5 मीटर। चेक कर लेना बेटा। ओके, एंड हाइट दैट इज गिवन टू मी 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड we have to find out the volume. No doubt we have to find out the volume, but we have to find the volume in terms of liter. That means after doing calculations, we have to do the conversion of meter cube into liters. अब इसके लिए आपको ना conversions आनी चाहिए। मैं लिखवाती हूँ, पहले हम question finish करते हैं, फिर जो लास्ट स्टेप है वी विल डू आफ्टर डूइंग द कन्वर्जन। ओके, फर्स्टली फाइंड आउट द वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर इज 1.5 स्क्वायर एंड एच इज 7। नाउ 22/7, 1.5 1.5 इनटू 7, इट विल कैंसिल। मल्टीप्लाई आप कीजिए सारा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 22 और इनटू ये 1.5 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने शॉर्टकट में बताया हुआ है कि मेरे पास जो है 2.25 आएगा। ओके, तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास बेटा मल्टीप्लाई करके 49.50 मीटर क्यूब आंसर आ गया। बट मैंने इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में। आपके बुक के पीछे भी यू हैव टू बी डिस्कस्ड ऑन पेज 192 पे भी कन्वर्जन्स दी हुई, आप उसको भी रिकॉल कर सकते हो। हमारे पास क्या क्या कन्वर्जन्स होती है, लेट अस राइट दैट। 1 मीटर क्यूब में बेटा जो है ना वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। देखो ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब, तो ml भी वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। ओके, लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। 1 लीटर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ओके, 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है एंड 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के क्यूब होता है। अब देखो मेरे पास मीटर क्यूब है, मैंने लीटर्स में जाना है। इधर से इधर जब भी लेफ्ट से राइट में जाना हो ना, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट मींस अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 49.50 मल्टीप्लाई बाय 1000, जैसे मैंने 1000 से किया तो ये लीटर में हो गया।
अब यही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किया था ना कि जितने जीरोस होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेरे पास राइट साइड की तरफ तो 4950 मेरे पास जो है 1 2 और एक जीरो लग जाना है और ये लीटर्स आंसर। ओके बेटा क्लियर, सबको बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को भी? ठीक है बेटा जी, ओके गुड। चलिए ये सारी कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 7th, लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया हुआ है बेटा मेरे पास, हु विल रीड दिस क्वेश्चन, हरी अप जल्दी जल्दी। परीक्षा अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, रीड दिस क्वेश्चन बेटा जल्दी। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। ओके तो आप बता सकती हो कैसे, कोई बच्चा बता सकते है कैसे स्टार्ट करें हम इसको? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड कोई बता सकता है कि कैसे हम करें या क्या करें? नहीं चलो मैं बताती हूँ। उसने कहा इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, मतलब अगर ये मेरे पास जो है, मैं ये क्यूबाइड आपको शो कर रही हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि ये क्यूब ही है। ओके वो कहता है अगर इसको एज को हम डबल कर दें, मतलब जितनी है उससे हम डबल कर दें, हम उससे क्या कर दें, डबल कर दें, जितना ये उससे डबल। ओके तो वो कहता है इसका सरफेस एरिया को कितना इफेक्ट होगा। ठीक है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं दी हुई बेटा मेरे पास, तो व्हाट वी विल डू हियर, हम जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हम मान लेते हैं लेट द साइड जो है ना बी एक्स सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले लो, मैं यूनिट्स लिख देती होती हूँ क्योंकि मुझे कुछ मेंशन नहीं होगी। ओके क्लियर। अब अगर मैं जो है यहां पर मैं क्या कर रही हूं यहां पर कि साइड को डबल कर रही हूं, अगर साइड को मैं डबल कर रही हूं मेरे पास जो है तो दैट मींस न्यू जो है न्यू साइड मेरे पास जो है वो क्या होता है 2x हो जाएगी, क्योंकि डबल मतलब क्या 2 times कर देना यूनिट्स। ओके बेटा अब मेरे पास जो है यहां पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने उसे कहा है कि हमने वेट बेटा वेट क्या हो गया, हाँ जी बेटा, तो ये जो न्यू साइड या न्यू एज है वो मेरे पास 2 हो गए, 2 times हो गए। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था मेरे पास ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर एज या साइड एक्स हो तो मेरे पास ओरिजिनल सरफेस होता है 6, साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है दैट मींस 6x स्क्वायर, और अपने आप स्क्वायर यूनिट्स बन जाते हैं, मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो जाता है। ठीक है अब हम क्या करें, न्यू सरफेस एरिया निकाले ना, अब न्यू सरफेस एरिया वो क्या होगा 6 साइड स्क्वायर, अब 6, अब इसमें साइड कितनी है बेटा 2x का स्क्वायर, दैट मींस ये 6 और ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यानी 24x स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया। अब बेटा मुझे ये बताना है ना कि नया सरफेस एरिया कैसे, हाउ मेनी टाइम्स, जब भी टाइम निकालना होता है ना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो, हमेशा याद रखना। उसने कहा हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है। ओके तो हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा व्हाट वी हैव टू डू, रेशियो हम कंसिडर करेंगे, किसकी हम रेशियो कंसिडर करेंगे, यहां पर जो है ओरिजिनल
सरफेस एरिया ओवर न्यू, चाहे आप न्यू ऊपर ले लो, ये आपकी मर्जी, ये आपने बताना है। तो बेटर है हमने न्यू का ही बताना है, हम न्यू ऊपर लेते हैं, ठीक है। न्यू सरफेस एरिया ओवर ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओके। अब न्यू कितना था, 24x2, ओरिजिनल कितना था, 6x2, ये कैंसिल ये 4। तो देखो बेटा, न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, 4 टाइम्स ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो आप लिखोगे, आपसे पूछा गया ना हाउ मेनी टाइम्स, तो आप लिखोगे इट बिकम 4 टाइम्स बेटा, इट बिकम 4 टाइम्स, ओके। सबको क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट टू एनी वन, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड प्रांजलि, वेरी गुड अंशिका, बाकी बच्चे पर्ल, पीयूष, प्रबलीन, प्रबनूर, रणबीर, सबको क्लियर है? साधिका, सिमरप्रीत, सिया, ये बच्चे मुझे आंसर ही नहीं देते हैं। साधिका, सिमरप्रीत, सिया, वनिका, क्या हो गया मेरे बच्चे? ठंड ज्यादा हो गई मेरे को लगता है सबको, है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? अगम एंड शरीन, चलो ठंड ज्यादा हो रही है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा? अब मैं सेकंड पार्ट करवाने लगी हूँ इसी का। उसने मेरे क्वेश्चन में पहले कहा था कि अगर साइड डबल हो जाए तो वॉल्यूम को क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी तो हमने निकालना है ना बेटा। तो सेम अभी हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, अब किसका लगाएंगे, वॉल्यूम का लगाएंगे ना। तो लेट अस सी कि अब मेरे पास होंगे वॉल्यूम का कैसे लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले तो वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम देख ले, यहां वर्ड लिखते हैं तो इजी रहता है। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब यानी एक्स क्यूब और क्यूबिक यूनिट, ओके। अब न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास, 2x का क्यूब यानी 8x क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स क्यों, आपको पता है ना वॉल्यूम में हम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब हमने हाउ मेनी टाइम्स बताना है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया। अब हम रेशियो कंसिडर करेंगे, तो अब मेरे पास क्या होगा, दैट इज मेरे पास हो गए न्यू वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज मेरे पास हो गए न्यू वॉल्यूम कितना आया था, 8x³ ओवर ओरिजिनल x³, कैंसल हो गया ना। अब ये न्यू वॉल्यूम निकालना है तो इसको उधर ले जाए, तो न्यू वॉल्यूम आई विल राइट हियर, न्यू वॉल्यूम is equal to 8 times original volume, okay बेटा, clear? सबको बात clear हो गई? कोई doubt है तो you can ask me बेटा, सबको, किसी को कोई doubt है please ask me, जल्दी जल्दी, अगला question बहुत interesting है, चले फिर आगे, चल Let us see. Next question बहुत ध्यान से समझना है, पता क्यों, क्योंकि ये 10th का concept है, 10th में भी यूज होता है, ठीक है, 9th में भी ये concept यूज होगा, बट आपको समझ आना बहुत जरूरी है। Let us see. ठीक है, अब इसमें क्या है, ओके चलिए, कौन रीड करेगा क्वेश्चन, रेज योर हैंड। साधिका, सिमरप्रीत, सिया, ऐसे वाले बच्चे ही मेरे खो गए सारे, प्रीशा की टर्न हो चुकी है ना, चलो सिया को कहते हैं। सियान म्यूट योर सेल बेटा, सियान म्यूट योर सेल। मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, रीड द क्वेश्चन सिया। यस मैम। वाटर इज प्यूरिंग इनटू अ क्यूबॉइडिकल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब,
फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फाइंड द रिजर्वोयर. अच्छा मुझे इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हो क्या कहता क्या वो बता सकती हो सिया? यस क्या समझे अगर मैं क्यूबॉडिकल रिजर्वोयर में पानी 60 लीटर्स पर मिनट में डल रहा है. वेरी गुड. उसका अगर वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है तो कितने घंटों में वो भरेगा? वेरी गुड. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आपने इसको ट्रांसलेट किया है ना. अब मैं समझाती हूँ. सिया ने बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन किया मुझे बट हमें मैथमेटिकल टर्म में इसको समझना है. उसने कहा कि एक क्यूबॉइडल जो है रिजर्वॉयर सपोज मेरे पास यही लेट अस सी ये एक रिजर्वॉयर है मतलब एक टैंक है. इसमें ना ये एक वाटर है इस पाइप के थ्रू इसके अंदर जा रहा है. ओके इस पाइप के थ्रू इस पानी जो है अंदर जा रहा है. आप खुद सोचो जितनी पाइप का डायामीटर ज्यादा होगा ये जितनी स्पीड ज्यादा होगी पानी की उतनी जल्दी ये भरेगा भरेगा ना. अब मुझे यहां पर दिया हुआ है कि इस पाइप का मुझे क्या दिया हुआ है रेट. अब जरा रेट को अंडरलाइन कर लो अच्छी तरह. वहां लिखा है रेट ऑफ 60 लीटर. ध्यान से देखना 60 लीटर पर मिनट मेरा बेटा. अब ये लीटर लीटर किसका यूनिट होता है बताइए मुझे जल्दी जल्दी. लीटर किसका यूनिट होता है? एरिया का लेंथ का वॉल्यूम का किसका? एंजल विल टेल. ओके यस एंजल. मैम वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर. बिल्कुल करेक्ट. मतलब मुझे ये बता दिया कि एक मिनट में कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है ठीक है और मेरी रिक्वायरमेंट दी हुई है किसकी कितना लीटर मुझे चाहिए. एक लीटर में कितना धारा मुझे पता है और मुझे कितना चाहिए. तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड ना कर दूं बेटा. मैं यही करूंगी ना. इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टाइम कि कितना टाइम लगेगा तो मैं क्या करूं जिसमें पानी डालना है. अगर मैंने इस रिजर्वॉयर में पानी डालना है मैं इसका वॉल्यूम और एक मिनट में इस पाइप के थ्रू कितना पानी अंदर जा रहा है मैं उससे डिवाइड कर दूं. यही चीज करूंगी ना. बट अब मैं क्या देखूं मेरे पास दो चीजें दी थी ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है बट द डिफरेंस इज इन यूनिट्स. ये मीटर क्यूब में दिया है ये लीटर्स में दिया है तो मैं दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दूं. मैं दोनों को लीटर्स में कन्वर्ट कर दूं. मुझे पता है मैंने अभी यहां पर लिखा था 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स. हमने ये किया था. मेरे पास ये मीटर क्यूब है ठीक है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर दैट इज मेरे पास 180 मीटर क्यूब. मुझे इतना पता चल गया मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसको कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मैंने किया तो ये लीटर्स में कन्वर्ट. क्यों किया? क्योंकि मुझे जिस पाइप के थ्रू ये पानी आ रहा है उसके यूनिट्स लीटर्स में दिए तो अब मेरे पास जो है आप क्या लिखोगे वॉल्यूम थ्रू पाइप जो है इन 1 मिनट. आप लिखोगे 1 मिनट में मेरे पास कितना है 60 लीटर्स. देखो यूनिट सेम आ रहे तो अब मैं लिखूंगी टाइम टेकन टू फिल रिजर्वॉयर दैट इज इक्वल टू मेरे पास जो है वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर 108000 डिवाइडेड बाय 60. अब ये टाइम पता किसमें आएगा मिनट्स में क्योंकि यहां मिनट्स की बात हो रही थी दैट आर इन मिनट्स. ओके तो मैं अगर इसको कटिंग करती हूँ जीरो से ये जीरो कट गया सिक्स से काट दे
तो मेरे पास जो है सिक्स वन द ठीक है फोर और एट और मेरे पास ये 1800 मिनट्स आए। आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो। हम किसी को बोले ना 1800 मिनट्स बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, इतने सारे मिनट्स थोड़ा, हम इसको आवर्स में चेंज कर देते हैं। आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास जो है क्लियर कट सिक्स वन द थ्री द जीरो द, तो 30 आवर्स में ये जो है टैंक फिल होगा। इज इट क्लियर, समझ आई बेटा? और वैसे भी क्वेश्चन में हमें लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, उसने मिनट्स में नहीं पूछा था, आवर्स में पूछा था, तो बेटा मुझे कन्वर्ट करना ही पड़ना था। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ओके, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक। मैंने एग्जांपल्स पढ़ने को दिए थे। हाँ, यू स्टडी द एग्जांपल्स? एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग? मैंने एग्जांपल 8, 9, 10, 11 आपको कहा था कि रीड इट। एनी प्रॉब्लम, वी आर हैविंग 2 मिनट्स विद अस, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम आस्क मी। ओके, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, चलो दैट्स टू गुड बेटा। ठीक है, अब आपका काम किया गया।